आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि कल आने वाला है आपके लिए अपाची आरटीआर 160 BS4 का मॉडिफाइड वर्जन, वो भी कम प्राइस में। इतने कम प्राइस में तो कोई नहीं करता है, 2 लाख 1.5 लाख के सब मॉडिफिकेशन करवाते हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं राइड विद बाइक। तो दोस्तों, बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि भाई अपाची मॉडिफाई वाला वीडियो आप अपलोड करो, जल्दी अपलोड करो। तो भाई मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, उसका एक रीज़न ये था क्योंकि उसमें एक एसेसरी मेरा छूट गया था। तो मैं सोचा क्यों ना मैं उसको लगाने के बाद ही मैं अपाची का फुल मॉडिफाई वाला वीडियो लाऊँ। तो आपको अपाची फुल मॉडिफाई वाला वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। तो चलिए आज की ये वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो आज का ये हमारा वीडियो होगा सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कोई बताने वाला तो बात है नहीं, पर सिंपल सा है। आज हम बात करने वाले हैं जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर होता है, जो अपने बाइक के साइड मिरर में लगाते हैं, जो राउंड शेप का होता है। आज आप इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि 360 डिग्री जो साइड ब्लाइंड स्पॉट मिरर होता है उसको हम बाइक में कैसे लगाएं। वैसे तो ये सिंपल सा है, फिर भी मुझे लगा कि मैं इस पर भी वीडियो बना दूँ, आया है तो बना देता हूँ। और जो कार के मिरर में लगाया जाता है तो मैंने वो चीज़ को बाइक के मिरर में लगाया है, है ना ये कमाल की। तो क्योंकि मैक्सिमम मैंने जहाँ तक देखा है नॉर्मल सब राउंड शेप वाले मिरर को ही अपने बाइक में लगाते हैं, पर मैंने सोचा क्यों ना मैं कार वाला अपने बाइक में लगाऊं। तो बस दोस्तों, मैंने वही किया है, मैंने अमेजोन से बाई किया है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, अभी आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है 360 वाइड एंगल मिरर, कार के लिए ये होता है। मैंने इसको बाइक में लगाने के लिए अमेजोन से परचेज़ किया है, तो उसके साथ ये कुछ एसेसरीज दिया गया है। तो चलिए अब हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। आधा मैंने पहले से कर लिया है, उसके बाद मैं आपको आगे का दिखा रहा हूँ। तो अब इसको निकालते हैं, उसके बाद ये है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, जो आप अपने बाइक के साइड मिरर में लगा सकते हैं। और आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा जो मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह का है। और मैक्सिमम मैंने जो आपको पहले भी बताया कि सब राउंड शेप वाले लगाते हैं, तो मैंने कुछ अलग ही सोचा कि मैं क्यों ना कुछ अलग इस टाइप का ही लगाऊं। तो आप देख सकते हैं कुछ देखने में ये चारों तरफ से इस तरह का लगे। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं तो स्क्वायर टाइप का एक राउंड होगा, तो यहाँ से आप इसको निकाल के भी यहाँ पर लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ये पूरे को निकाल के भी आप लगा सकते हैं। तो ये आप लाइन को देख सकते हैं, इसी लाइन पे आपको ये डबल साइड टेप होता है, यहाँ से आपको ये निकाल के कुछ इस तरह से आपको लगाना होगा, ये उसमें जाके चिपक जाएगा। उसके बाद आपको अपने साइड वाले मिरर में आपको जाके कुछ इस तरीके से लगाना होगा। तो दोस्तों, इसका लगाने का मेन फ़ायदा ये होता है कि आपके जो बाइक का नॉर्मल मिरर होता है उससे आप अपने बैक साइड के जो ब्लाइंड स्पॉट होते हैं उसको आप नहीं देख सकते, पर आप जब ये 360 वाइड एंगल को लगाते हैं तो आप इससे आपके जो बैक साइड के जब राइड करते हैं उस टाइम जो ब्लाइंड स्पॉट सीन होता है उसको आप इसमें देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इसको बाइक में कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने बाइक के जो मिरर होते हैं उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर ले, जिससे जब हम इसको लगाएँ तो वो अच्छे से चिपक जाए उसमें, क्योंकि इसमें डबल साइड टेप होते हैं। तो हम अभी वही कर रहे हैं, हम अपने बाइक के मिरर को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और जो ये वाइड एंगल है इसको भी हम एक बार साफ़ कर लेते हैं। अब हम दोनों मिरर को क्लीन कर चुके हैं, चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे इसको कैसे लगाना है। तो आप ये देख सकते हैं ये पूरा भी था, और यहाँ पे जो आपको मैंने बताया था स्क्वायर वाला, तो आप ये पूरे को भी, मैं दो तरीके से आपको बता रहा हूँ, ये पूरे को भी हटा के आप डायरेक्ट अपने मिरर में चिपका सकते हैं। तो डायरेक्ट आप मिरर में चिपकाएंगे तो वो आपको हिलेगा नहीं, आपको फिक्स हो जाता है, वो एक ही जगह फिक्स हो जाता है। पर अगर आप सिर्फ वहाँ वाले पॉइंट को जहाँ पे राउंड किया हुआ था, स्क्वायर टाइप का किया हुआ था, वहाँ पे आप इस तरह के चिपका के भी लगा सकते हैं। तो मैं फिक्स नहीं करने वाला हूँ इसलिए मैं इस तरीके से बताया, पर मैंने यहाँ पे टेप होता है उसको मैंने निकाल दिया, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि ये पूरे में भी टेप है, ये पूरा भी आप चिपकाएंगे तो भी चिपक जाएगा, अदरवाइज़ ये जहाँ पे मैंने चिपकाया इस तरीके से भी आप चिपका सकते हैं। और अपने हिसाब से आप ये इसको अप या डाउन में कहीं भी इसको लगा सकते हैं। तो मैं इसको नीचे ही लगा रहा हूँ, और ये लगाने के बाद ये 360 में भी राउंड कर सकते हैं आप इसको, ये इस तरीके से अगर आप लगाते हैं। तो अगर आप वो जो छोटा सा जो मैंने लगाया था उसको नहीं लगा के आप डायरेक्ट ये पूरे शीशे को ही लगाते हैं तो आपका ये राउंड नहीं होगा, एक जगह पे फिक्स हो जाएगा। तो एक ये तरीका हुआ, दूसरा तरीका ये है कि आप जो यहाँ पे जो था सिर्फ इसी को हटा के और इसके साथ जो छोटा सा ये मिला है इसको मैं इस तरीके से लगा देता हूँ, और वो जो साइड में कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो आप उसको ये पूरे शीशे वाले को निकाल के भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो एक पहला वो हो गया,
जो पूरे को आप टेप को हटा सकते हैं, अदरवाइज ये जहाँ पे आपको ये फिक्स करना है सिर्फ उतने वाले स्पेस को ही आप टेप से हटाएंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो इस साइड में टेप है इस पे जो छोटे से वाले में दिया गया है इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो चलिए अभी हम निकाल के दिखाते हैं, उसके बाद हम आगे दिखाते हैं। तो ये थोड़ा मैं निकाल रहा हूँ इसको। अरे गुरु निकल जा, अरे निकल जा गुरु, वीडियो बना रहा हूँ भाई। मुझे लग रहा है लड़कियों की तरह नेल बढ़ाने होंगे, नाखून बढ़ाना होगा तभी काम बनेगा। अरे निकल यार। अच्छा चलो नहीं निकल गया, चलो रहने दो यार, नहीं बढ़ाता हूँ, लड़कों के नेल से भी काम हो जाता है। तब बस इसको निकालने के बाद आपको प्यार से, बड़े प्यार से अपने बाइक के मिरर के पास ले जाना है और कुछ इस तरीके से चिपका देना है। और ये इसका जो गम होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी सॉलिड होता है, तो आप टेंशन फ्री रहिए। बस आपकी इसको चिपकाने के टाइम पहले साफ कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा जो वहाँ पे चिपका रहे उसको प्रेस कर दीजिए। उसके बाद ये निकल के कहीं नहीं जाने वाला, ये आपके बाइक के मिरर में फिक्स हो जाएगा। इस पर पानी भी चला जाए तो भी टेंशन नहीं है आपको। तो ये होता है कुछ इस तरह का, आपको वाइड एंगल अपने बाइक के मिरर में लगाना है। तो मैंने इसी को ही चूज़ किया क्योंकि राउंड वाले मैक्सिमम को मैंने देखा था, पर मैं इस तरीके से लगा के अपने बाइक के जो व्यू होते हैं उसको मैंने कुछ अलग ही बना दिया। तो ये होता है यूनिक, कुछ यूनिक सा लग रहा है। तो आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें। और कल आप मेरे चैनल पर अपडेट रहे, कल अपाची का मॉडिफाई वाला वीडियो मैं डाल रहा हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का आईडी नीचे आ रहा होगा, राइड विद बाइक रजत करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद।